बादल चेक, जोरों शोर से बारिश लगी हुई और डिटेलिंग भी चल रही थी। 50 pound ब्रो, ये पाकिस्तानी ऑलमोस्ट दो दो सब तक नहीं है गोइंग। स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का। सफाइयां हुई है ना, मैल चल उतर की गाड़ी की चिकनी हो गई चिकनी। यहाँ कोई ने रज के गन डाला, जितना डाल सकते थे उतना गन डाले। पर पड़े इसमें जनाब डैशबोर्ड खाली करते हैं, ये उठाते हैं इनको रखते हैं कार दे अंदर। जाए भाई साहब गड्डी करने लॉक, फिर गड्डी करने जनाब स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब की हाल चाल ने खैर खैरियत ना लो सारे। गाइस सीन जैसे हैं कि रात के 12:30 बज रहे हैं, बस ना घड़ी है ना दूसरा मोबाइल है कि मैं आपको टाइम दिखा सकूं, क्योंकि मेरी बात मान लो, ट्रस्ट मी, यकीन नहीं आ रहा, किसी को यकीन नहीं होगा। रात के 12:30 हो रहे हैं, घर से नहीं होके निकल गए और सीन्स के निकले क्यों है भाई जान। सीन ऐसे क्योंकि मैंने और मेरा एक दोस्त है, हमने ऑल्टो गाड़ी ली और डिटेलिंग कराने का प्लान बनाया था इकट्ठे। तो पहले मेरे घर की लोकेशन डिसाइड थी, अब लोकेशन डिसाइड की उसके घर पे, कि उसके घर पे वो लड़के आएंगे जो कार को डिटेल करेंगे, तो वहाँ पर जो है गाड़ी पप्पू कराएंगे। खैर अब सीन ऐसे हैं कि भाई साहब गाड़ी लेके जा रहे हैं उस अपने दोस्त की तरफ, उसको ये कि रास्ते में गाड़ी पकड़ाती है इधर आया हुआ कि मिड पॉइंट पर उसको अपनी ये गाड़ी देते हैं। साथ ही मैंने बुला लिया अपने फ्रेंड शिरोज साहब को, उनका मेरा शहरी का सीन भी है, तो वो वहाँ से मुझे पिक भी कर लेंगे, फिर हम अपनी शहरी का कुछ इंतजाम चला रहे हो। अब सीन जैसे बस जा रहे हैं, गाड़ी पकड़ाते हैं अपने फ्रेंड राजा दानियाल साहब को, वो गाड़ी अपने घर ले जाएंगे और कल की डेट में सुबह सुबह आ जाते हैं जो डिटेलिंग वाले, वो आगे गाड़ी इच्छी पिछी खोल बाल के इंजन इंटीरियर एक्सटीरियर ऑल दो पूरी प्रॉपर जनरल सर्विस जो होती है ना वो गाड़ी की हो जाएगी। और कोशिश करेंगे कि वीडियो उनसे बनवा लें, कुछ डिटेल आपको चेक करा देंगे, ना हो सकी तो फिर ना हो सकी एंड पे रिजल्ट आपको दिखा देंगे। और ये अभी एक पॉइंट है जहाँ पे मैं रुका हूँ, शिरोज साहब आते हैं उनको अपने साथ लेके आगे जाएंगे। शिरोज साहब इधर पीछे सिटी में शिरोज साहब मौजूद हैं हमारे साथ और वो पीछे पीछे आ रहे हैं। आगे जाएंगे अपने फ्रेंड राजा दानियाल के पास, वो जिधर मेन पॉइंट पर खड़े ये गाड़ी उसको हैंड ओवर करेंगे, वो अपने छोटे भाई के साथ ये गाड़ी वो अपनी चला ले, मेरी गाड़ी चला के अपने घर ले जाएगा और कल की डेट में इंशाल्लाह गाड़ी होगी पप्पू। तो आप कोशिश करेंगे कि दिखा सकें किस तरह और ही डिटेलिंग, ना हो सका तो एंड रिजल्ट जो है अब आपके साथ शेयर करेंगे। गाइस वो ऑल्टो घड़ी है एक और साबुनदानी अपने जैसी और ट्रक के जैसे आ गए। गाइस दिस इज दैट साबुनदानी जो हमारे साथ वॉश होगी, तो यहाँ पे अपनी गाड़ी इनको हैंड ओवर करते हैं और साथ ही शिरोज साहब भी मौजूद हैं, उनकी गाड़ी में बैठ के हम लोग घर को निकलते हैं। दानियाल साहब ये उनकी साबुनदानी है सर, क्या हाल है साहब? ये अल मशहूर राजा तुल्हा ओके राजे जनाब, हम बैठे अपनी सिटी में अपने ब्रदर शिरोज साहब के साथ। चलो भाई चलो चलो वो छोड़ यार इधर पुल के नीचे। तो भाई लोग गाड़ी अपनी हैंड ओवर कर दी है, अब अपने भाई के साथ जाने की सैरी का सिस्टम चलाने, फिर मुलाकात करेंगे आपसे। अस्सलाम वालेकुम सर, दो दो सबक डाली है गोइंग। ओह यस या 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 यस। भाई साहब हेलमेट चेक करें, बत्ती वाला फोकस हो जा, नो नो कसम इज ताऊ जाए सहरी करने सहरी प्लेटर खाने। तो तेरी आवाज निकल रही थी अब गाइस कर यार एनर्जेटिक होके बोलेंगे तो ये लोग सब्सक्राइब करेंगे, नहीं करेंगे कर ले यार, कर देंगे यार कुछ लोग कर देंगे। गाइस चेक दिस आउट, औरत ना देखें ये मर्द भी है यार। दिस इज पाउंड
50 pound bro. ये पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 18,000 रुपया बनता है। दिस सिंगल प्लास्टिक का नोट जो है अपने मुल्क के 18,000 रुपये के इक्वल है, अंदाजा लगाओ। व्हाट इज दिस? लंदन जाओ, वहाँ जाके लोगों के कुत्ते दो, वॉशरूम दो, बर्तन दो, पाउंड्स कमाओ और पाकिस्तान आके अमीरों की जिंदगी जियो। ओ भाई 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 भाई, सॉरी, माजरत 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 भाई साहब, लाचार बंदे का हाल चेक करें। मैं गाड़ी में कर रहा मैं कुछ पूछा मैंने कुछ गाड़ी की सीट लिटा के कोई आधे घंटे से इधर था, उसके बाहर ही हम बैठे हैं। क्यों भाई का ऑफिस का काम आ गया, रिप्लाई कर रहे हैं, वो रिप्लाई करके फ्री होंगे फिर उधर जाके ऑर्डर देंगे। और अपने को बड़ी शदीद किस्म की नींद आ गई है, भूख भी लग गई है। सैरी का प्लेटर खाते हैं, आपको भी चेक करा, आपको दिखाते हैं और खुद हम चखते हैं। चार जी मुकाए है क्या? क्या हमारे पास चने, फ्राई कबाब है, सर जालू की भुजिया है, मगज है, ब्रेन मसाला जिसको बोलते हैं, और हलवा है, और चिकन निहारी है और दो अंडे, बाकी साथ भाई साहब नान और पूड़ी है। भाई साहब ये प्लेटर अपना होगा पूरा, मीठी लस्सी आ गई है, अपना हाफ फ्राई आ गया, टेट भर गया, लेकिन ये सब कुछ रहता है यकीन माने, ये मोर देन जो है ना, मतलब दो बंदों के लिए मोर देन इनफ है। क्यों सर? इसे खाया ही नहीं। अगर खाया मैंने अपनी गुंजाइश के मुताबिक हर चीज़ खाई है। दो नान खा गए थोड़ा, दो नान, एक हल, एक पूड़ी, मतलब आधी आधी जो साइज में कटी हुई। वहाँ सब रात के टेंट फुल हो गए, अब बस घर जाके सोएंगे, सुबह उठेंगे दफ्तर के लिए। डे टू। अस्सलामुअलैकुम जनाब, दिस इज़ नेक्स्ट डे। भाई सीन्स ऐसे कि गाड़ी आपको पता, जैसे हम रात को अपने फ्रेंड को डिलीवर कर चुके थे, उसके घर पर जो है डिटेलिंग होनी थी, और आज जो है बेहतरीन किस्म की बारिश चल रही है, जोरों शोर से बारिश लगी हुई है और डिटेलिंग भी चल रही है, देखते हैं क्या ही बनेगा। मज़ीद आगे दो दिन जो है बारिश वेदर में दिखा रहे हैं। मैं फिर लोग मौजूद हूँ ऑफिस में, ऑफिस से फ्री होंगे, निकलेंगे। जो मेरा फ्रेंड है जिसके घर गाड़ी है, उसका भी इधर का चक्कर लग रहा है ऑफिस के ही काम से, तो कहते हैं हमें पिक करके चले चलते हैं और जाके फिर जो हम गाड़ी शाड़ी बैठ के थोड़ा सा अपने सामने क्लियर कराते हैं। उसकी तरफ इफ्तारी है, इफ्तारी करके आपका भाई फ्री हो जाएगा, गाड़ी पकड़ेंगे घर आ जाएगा। ये फिल वक्त की सिचुएशन है, बाकी आपको मौसम चेक करें तो भाई मौसम चेक करें, बारिश अभी फिल वक्त बारिश रुकी हुई है और ये सूरत हाल है, बादल भी बने हैं सख्त बेहतरीन किस्म के। ऑफिस का टाइम पूरा करके निकलते हैं, फिर देखते हैं अगले क्या मामला है, तो चलें चलते हैं। गाइस क्या बेहतरीन हवाएं चल रही है, ठंडी, बादल चेक। आपका भाई जो है चेंज करके बैठ के हुआ है, क्यों? मैंने कहा दावत पे जा रहे हैं तो जरा इजी होके जाते हैं, स्किनी पैंट शर्ट उतारी, शलवार कुछ पहनी खुली खुली, जरा इजी होके जाएगी। फ्रेंड अपना आ चुका है, जरा उसके साथ जाते हैं। अब जाहिर उसके घर जाना है, खाली आदमी जाना, तो उसके घर के लिए कुछ मीठा छिठा ले रहे थे, उसके साथ ही जाते हैं। दावत तो जरूरी है ही है, दावत इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन भाई साहब अपनी गाड़ी जो है वो सफाई वाली, और ये चेक करें बारिश टिप टिप बरसी, और आपके भाई ने हेयर डू भी किया, वो भी गीला हो जाएगा। सर ये जनाब अपनी उबर राइड इज हेयर, जो भाई के साथ जाके पहले कुछ ले लें। सलामकुम सर, राइड स्टार्ट तो नहीं किया आपने? बड़े टाइट ही पहन के अब ड्राइव करो। ओए 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 ओए, स्विफ्ट स्विफ्ट का गियर लगाया हो भाई, व्हाट इज दिस? मीटर इसका अपने नाइस यार। नहीं गाइस, केक पर चीज डन। लो 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 लो, गाइस अल्लाह अल्लाह करके इस गाड़ी पे पहुंच गए। खैर अब अपनी गाड़ियां देखने जा रहे हैं, जो डिटेलिंग हो रही है। और ये हो गई है कंपाउंड भी नहीं, ये रेत करनी है, ये करने लगा सही काला क्यों हो गया सारा। ये जनाब सी कोई डालो शालो पर निकलेगा, सिक्के सिक्के एक सिक्का निकले। आप दो ना ऐसे 2 रुपए वाला पूरी बस गाड़ी है। जनाब बारिश चल रही है फुल बेहतरीन किस्म की, और गाड़ियाँ यहाँ पे हो रही है साफ, क्या कॉम्बो है।
ये भाई साहब अभी कंपाउंड हुई है, ये डिफरेंस है, अभी पॉलिश पॉलिश रहती है और बारिश चल रही है। चलो अगर आप मजे दिलिए इंतजाम भाई साहब। तो गाड़ी अपनी नीचे जो है डिटेलिंग हो रही है और बैठ गए इफ्तारी के टेबल पर, क्योंकि इफ्तारी को रह गए तकरीबन अभी है टाइम तकरीबन 25 मिनट है, इंतजार कर रहे पेट पे जा रहे हैं। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब इफ्तारी होगी है, अब गाड़ी देखने जा रहे हैं, देखते हैं क्या मामला है। टन 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 बारिश रुक गई जी, ये तो गीली है भाई साहब। अपडेट दे दें, गाड़ी हो रही है पॉलिश, यहाँ पे चल रही थी ज़रा चाय शाय, चाय के साथ पापे भी रखे हैं राजा दानियाल साहब ने, बस पॉलिश हो जाए सीटें लगेंगी फिर निकल। गड्डी जो लोके बस सीटें थोड़ी थोड़ी गीली हैं, उसमें ये करेंगे कि कुछ चादर शादर डालेंगे और निकलेंगे, बाकी जनाब शाहिन चेक कर ले आप, लश्कारे चेक कर लश्कारे पॉलिश। क्या खूबसूरत निखर के आई है, लाइटें चेक करें क्या शाइन मार। बस अब निकलते हैं घर को तो देखते हैं क्या मामला है। अब पूरी रोड पे पानी पानी है और अभी तक पानी पानी आगे किचड़ कुचड़ ना मिल रहा है। अगर आप बेटे को घर पे छोड़ा हुआ है वो उदास है, तो उसके लिए गिफ्ट ले रहे हैं ये साइकिल, उसकी अपनी गाड़ी बेचारे की ख़राब होगी, तो ये जो येलो वाली है ना इसमें हम रेड वाली ले रहे हैं। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरा दिल, बच्चे बच्चे को सरप्राइज देंगे, बेचारा नाराज़ है, पापा पापा लगा तो उसके लिए कोई टॉय लेके जा रहे हैं प्यारा से, चलानी पड़ती बना दे। बहुत जनाब खर्चा मारे गाइस, घर पहुंचे हैं तो गाड़ी हालत देखो, तो देखें चमक के दमक के टायरों की क्या हालत है जनाब, टायर और शीले तो हो गई गंदी, बाहर 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 लेके जाने आए जी आपको दिखाए। जनाब पता नहीं अपनी हालत कैसी है, बाल शाल खराब हुए होंगे, सीन्स ऐसे हैं कि अभी आपका भाई गाड़ी में आके बैठा है, रात के 12 होने वाले हैं और गाड़ी की जो भाई साहब डिटेलिंग हुई है वो आपको बताऊं, वो इतनी बेहतरीन हुई है माशाल्लाह कि आप समझे कि 3-6 महीने की सिरेमिक नहीं तो अपनी 1-1.5 हफ्ते की सिरेमिक होगी ऐसी कंपाउंड पॉलिश की। जरा बैल लगाते हैं, सिटी निकालते हैं और सिटी की जगह लगाते हैं अपनी साबुनदानी। हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल, जनाब सीन ऐसे हैं अभी पार्किंग की जगह पे हम लोग गाड़ी पार्क करके खड़े हैं, क्यों, क्योंकि गाड़ी के यहाँ पे कर रहे हैं फोटोशूट कर रहे हैं एड लगाने के लिए, एड लगाएंगे और गाड़ी को देखते हैं कब तक सेल आउट करते हैं, ताकि ये कि गाड़ी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है जनाब, ये आपको लुक में चेक करें, सफाइयाँ हुई हैं ना, मैल चैल उतर गई गाड़ी की, चिकनी हो गई, चिकनी पप्पू हो गई जी ना, पप्पू हो गई गाड़ी हमारी माशाल्लाह। तो गाइस फोटोशूट हो गया, आपको अब क्या डिटेल बताऊं गाड़ी की, ये जनाब वैसे है इको आइडल ऑल्टो के इस वेरिएंट में, ये टॉप ऑफ द लाइन का वेरिएंट है, स्टार्ट कर ली गाड़ी, बस घर निकलते हैं, इफ्तारी का टाइम होने वाला है, सिर्फ फोटोशूट करना था। सीटें जनाब अभी तक गीली हैं, कल की गाड़ी जो धुली है तो इसमें हम लोग मैट को पुट्ठा करके बैठ रहे हैं, आई से तशरीफ गीली हो गई है, बस जनाब ये कि गाड़ी का एड लगा दिए, एड लगाते हैं देखते हैं क्या बनता है, गाड़ी जो ये सफाइयाँ कराई हैं, पहा लगाया, डिटेलिंग हो जाए गाड़ी थोड़ी सी साफ़ सुथरी हो जाए, अपनी हालत अपनी शक्ल में आ जाए ना गाड़ी थोड़ी सी, तो वो खैर हमने करा ली, गाड़ी की तस्वीरें बना ली हैं जो जो मुझे समझ आई है कि कहाँ जो जो एंगल रख सकते थे, क्योंकि जनाब हालात ऐसे है नहीं, अकेले अकेले इधर खड़ा हो गया, तस्वीरें भी फटाफट बनाई हैं कि यार जल्दी से बनाए, हालात ज़रा ख़राब चल रहे हैं अपने मुल्क के,
तो नस्ते वाली करें। ओके डेढ़ साल।